हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फूलचंद और आप देख रहे हैं महात्मा टेक्नो। दोस्तों, अगर आप भी महाराष्ट्र में रहते हैं और आपकी भी शादी हुई है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपके कहीं पर भी ये काम आ सकता है। समझिए, अगर आपकी पत्नी के आधार कार्ड में या पैन कार्ड में कुछ चेंजेस कराना है तो आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत लगेगी। तो इस प्रकार आपको बहुत सारी जगह पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाता है और इस सर्टिफिकेट को बनाना बहुत आसान भी है। दोस्तों, आप घर बैठे मोबाइल से इस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मोबाइल पे किस तरीके से आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ और इस तरीके से आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रोम में कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन होने वाला है। पहले आपको आपकी जहाँ शादी हुई है उसके बारे में डिटेल को फिल करना है, उसके बाद आपको हस्बैंड की डिटेल को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको वाइफ की डिटेल को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको तीन विटनेसेस की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो विटनेस वन, विटनेस टू और विटनेस थ्री की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको जिस महाराज ने आपकी शादी कराई थी उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है और उसके बाद कुछ ऑप्शंस है वो आपको टिक करने हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज में डाल देता हूँ, जिस दिन शादी हुई थी वो तारीख आपको यहाँ डालनी है, तो मैंने एक तारीख डाल दी है। यहाँ पर वार्ड आपको डालना है। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप जहाँ कहीं पर भी रहते होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे डालोगे तो आपको वार्ड नंबर पता चल जाएगा। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का वार्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, जहाँ जहाँ स्टार लिखा है वो डिटेल आपको फिल ही करनी पड़ेगी, तो वो सब डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो मैं आपको एक डमी फॉर्म भर के बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हस्बैंड की डिटेल डालनी है, यहाँ पर MR सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिए। ये सेकंड वाले को आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर रिलीजन हिंदू डाल दीजिए, यहाँ पर हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पर कैलकुलेट एज पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। जिस समय उनकी शादी हुई थी उस समय उनका स्टेटस क्या था, तो वो अनमैरिड थे। अगर आपके केस में कुछ और हो, विडोवर हो या डाइवोर्स ही हो, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हस्बैंड है वो काम क्या करते हैं तो वो डाल दीजिए आप, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए आप। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्यों ये ज़रूरी है। फिर नीचे आप ऑफिस का एड्रेस डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। फिर नीचे आइए, यहाँ पर वाइफ की डिटेल आपको डालनी है, MRS सेलेक्ट कीजिए, वाइफ का नाम डाल दीजिए, यहाँ पर रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कीजिए, ये ऑप्शनल है इसको छोड़ दीजिए। नीचे यहाँ पर एज को कैलकुलेट करना है, तो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ एज यहाँ पर डाल दीजिए और कैलकुलेट पे क्लिक कीजिए। स्टेटस क्या था, तो ये भी अनमैरिड ही थी। व्यवसाय यहाँ पर मैं नो वर्क्स डाल देता हूँ। नीचे आप एड्रेस डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे ही एड्रेस डाल रहा हूँ, बट आपको जो एड्रेस डालना है वो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रहेगा, जैसे आप हस्बैंड की डिटेल फिल कर रहे हो तो उनके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर वैसा का वैसा डालना है, और वाइफ के आधार कार्ड पे जो डिटेल्स है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर डालनी है। विटनेस के लिए भी आपको सेम ही करना है। जिस किसी विटनेस का आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर अनटिक कर देता हूँ मैं। यहाँ विटनेस वन की इन्फॉर्मेशन डालनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्टल दिया हुआ है यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है आपका। यहाँ विटनेस टू की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको महाराज की डिटेल डालनी है जिसने आपकी शादी करवाई है। अगर आप मोमेडियन है तो यहाँ पर आपको काजी की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जिस मोबाइल नंबर पर आपको SMS आने वाला है। यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पे यस करना है। इसमें लिखा गया है कि सब जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है कि नहीं, तो यस करना है आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना चाहते हैं वाइफ का, जिसमें वाइफ की एज क्लियरली मेंशन की गई हो। तो यहाँ पर मैं लिविंग सर्टिफिकेट डाल देता हूँ और हस्बैंड के लिए भी मैं लिविंग सर्टिफिकेट ही डाल देता हूँ। और दोस्तों, जब आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट आप टिक कर रहे हो ये वहाँ पर आपको लेके जाने होंगे। ओरिजिनल चाहिए और प्लस एक जेरोक्स कॉपी भी चाहिए, तो ये आप ध्यान में रखिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट टिक कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाना है। अभी रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप क्या दिखाना चाहोगे, तो मैं आधार कार्ड टिक कर देता हूँ। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आधार कार्ड टिक कर दिया है। विटनेस वन का एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या दिखाना चाहोगे, तो यहाँ पर विटनेस वन के लिए मैंने आधार कार्ड टिक कर दिया है। विटनेस टू के लिए भी मैंने आधार कार्ड टिक कर दिया है और विटनेस थ्री के लिए भी सेम मैंने आधार कार्ड ही टिक किया है। तो ये जब आप विटनेस के आधार कार्ड टिक कर रहे हो, आप विटनेस को बोलिए कि उनका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाए और उस आधार कार्ड का भी जेरोक्स आपको निकाल कर रखना है। कॉपी ऑफ वेडिंग कार्ड, इसको यस कर दीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके शादी का जो कार्ड होगा वो भी आप लेकर जाइए। दोस्तों पंडित जिसने शादी करवाई थी वो अवेलेबल है और वो साइन और उसका नाम देना चाहता है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। डाइवोर्स नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिए। विडोवर भी नहीं है तो नो कीजिए। निकाहनामा, अगर आप मुसलमान हैं तो यहाँ पर आप निकाहनामा आपके पास रहेगा तो उसके लिए यहाँ पर यस टिक कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर अगर हस्बैंड और वाइफ दूसरे धर्म के हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों अगर कुछ डिटेल आपकी फ़िल होनी बाकी रह गई होगी तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मेरा एक पॉइंट बाकी रह गया था तो ये डायरेक्ट मुझे वहाँ पर ही लेके जाएगा। ये देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है ये बाकी रह गया है। इसके लिए आपको फॉर ब्राइड ग्रूम दोनों के लिए यस करना है, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। अब फिर से जाकर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरा पूरा फॉर्म आ गया है यहाँ पर, इस तरीके से मेरा पूरा फॉर्म आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मोबाइल से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पर एरर आता है। तो यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए या कहीं पर लिख कर रख लीजिए और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट क्लिक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से कुछ फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको देखो चार्जेस जो है ₹15.76 आपको भरने हैं, तो यहाँ पर आप पेमेंट पे क्लिक लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, आई एग्रीड पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आपके पास अगर UPI है तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपकी UPI ID डालिए और पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपको आपकी email ID पे जो आपने वहाँ पर डाली थी उस email ID पर दो मेल आएंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे मेल आएंगे। ये देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से दो मेल आने वाले हैं। एक मेल आएगा मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म और एक आएगा ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट। तो आपको दोनों को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आपको दो मेल आएंगे। एक मेल में आपको जो आपने पूरी डिटेल फिल की है वो फॉर्म पूरा आएगा, इस तरीके का फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म पूरा आएगा। और दूसरे मेल के अंदर आपको जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट आएगी और यहाँ पर ही आपको जो अपॉइंटमेंट डेट है यहाँ पर दी जाएगी। इसी फॉर्म में यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट डेट दी जाएगी। इसमें मुझे 2/5/2023 की डेट मिली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी कोई डेट मिली होगी, उस डेट को आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपको तीनों विटनेस की एक एक फ़ोटो लेके जानी होगी और हस्बैंड और वाइफ की आपको 5-5 फ़ोटो लेके जानी होगी और सभी विटनेसेस के ओरिजिनल आधार कार्ड प्लस जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जाना होगा और हस्बैंड और वाइफ के लिविंग सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी प्लस जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जानी है और हस्बैंड और वाइफ के आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप BMC ऑफिस जाइए और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए। ये सारा प्रोसेस होने के बाद BMC से आपको एक URL मिलेगा। मैं बता देता हूँ आपको क्या URL रहेगा वो। दोस्तों आपको क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर portal.mcgm.gov.in डालना है। यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये तीन लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है और सिटीज़न पे क्लिक करना है।
यहाँ पर पे पे जाना है आपको और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। इस तरीके से कुछ फॉर्म ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। अब आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए 150 रुपये पे करने होंगे, तो पेमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कीजिए और कोई भी एक ऑप्शन जो आपके पास है उस ऑप्शन को टिक कीजिए और पे पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले पूरी डिटेल भरनी है, बिलिंग नेम डालना है, एड्रेस डालना है, जिप कोड, सिटी, स्टेट, ये सब डालना है आपको। मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद आप नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपने जो पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसके लिए UPI ID डालिए और मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर नीचे जाकर आप पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट पर आप हस्बैंड और वाइफ के दोनों की साथ में जो कोई फ़ोटो रहेगी वो फ़ोटो आप लेकर आप यहाँ पर चिपका दीजिए और बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर इस सर्टिफिकेट पर BMC का स्टैम्प लगेगा, वो स्टैम्प आप लगवा लीजिए तो ये आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।